साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी होता क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ अ पर्सन बिहेवियर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रियल इमेजिन और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स। जब आप एक सोसाइटी में रहते हो तो उस सोसाइटी में या उस सोशल सर्कल में रहने के बाद आपका बिहेवियर, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग जब इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देती है, ठीक है, वो रियल वर्ल्ड है, वो इमेजिन वर्ल्ड है या वो इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, वट डिफ्रेंशिएट सोशल साइकोलॉजी फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स? फोकस ऑन सोशल नेचर ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन, सिर्फ और सिर्फ उसकी सोशल नेचर पे ही फोकस किया जाता है। टू अजर्शंस, पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इन्वायरमेंट, एक इंसान जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एक सोशल इन्वायरमेंट पे, ठीक है, और इंडिविजुअल एक्टिवली कंसिडर्ड सोशल सिचुएशंस, वी डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट एज दे आर बट वी आर इंटरप्रेट देम टू बी। एक इंसान है जो कि एक असर बना रहा है एक सोशल इन्वायरमेंट से, और दूसरा इंसान जो है वो सोशल सिचुएशन में रह तो रहा है लेकिन ना तो उन पर रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको इंटरप्रेट जरूर कर रहा है। वो कहते हैं आप जितना भी ये सोचें कि आप सोशल सिचुएशंस में रहते हुए भी आप उस सोसाइटी को या उसमें अपनी थॉट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो वो एक रॉन्ग है। आप जब किसी सोसाइटी में रहते हो तो वो कहीं ना कहीं आप पे जरूर इन्फ्लुएंस होता है। सोशल साइकोलॉजी में थ्री तरह की डोमेन हैं, सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल कोऑर्डिनेशन और सोशल इंटरेक्शन। अब जो आपका एक पॉइंट है सोशल कोऑर्डिनेशन और एक है ग्रुप जो है ना ग्रुपिंग ग्रुप बिहेवियर, वो सोशल इंटरेक्शन में ही कवर होगा, ठीक है, और सोशल कोऑर्डिनेशन भी। सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? द वे इन विच अ पर्सन बिहेवियर कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर। जब एक इंसान के आने की वजह से आपके पे कोई असर आता है दूसरे इंसान के आने की वजह से, तो वो सोशल इन्फ्लुएंस है। या तो आप किसी पे असर डाल रहे हो या कोई आप पे असर डाल रहा है। सोशल कोऑर्डिनेशन क्या है? द वे इन विच पीपल थिंक अबाउट अदर पीपल। जब लोग अपने साथ रहने वाले लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में परसेप्शन रखना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में सोचना सोचते हैं, थॉट्स रखते हैं, उनको जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उसको हम लोग सोशल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। सोशल इंटरेक्शन क्या है? कि लोगों के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव वे में कोई भी इंटरेक्शन हो, वो आपका सोशल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस होता क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस इज द प्रोसेस बाय विच एटीट्यूड्स, परसेप्शंस एंड बिहेवियर्स कैन बी अफेक्टेड बाय द रियल और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ द अदर्स। कि जब आपकी सोशल इन्फ्लुएंस आपके एटीट्यूड्स, आपकी परसेप्शंस और आपके बिहेवियर्स पे इफेक्ट करना शुरू कर देता है, तो वो सोशल इन्फ्लुएंस है, ठीक है। कि आप किसी भी ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ मारते हैं, सब एक दूसरे को जो है वो बुरा भला कहते हैं, कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता, तो आप भी ऐसे हो जाओगे, ये एक सोशल इन्फ्लुएंस है, ठीक है। कैटेगरी ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल नॉर्म्स और कन्फॉर्मिटी। सोशल नॉर्म्स, कन्फॉर्मिटी, कंप्लायंस, ये तीन चीज़ें आती हैं सोशल इन्फ्लुएंस में। सोशल इन्फ्लुएंस में जो सोशल नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम उन रूल्स को रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, हमें उन सोसाइटी उस सोसाइटी में रहने के लिए, अब अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो हमारे लिए वहाँ पे जीना या रहना या उस सोसाइटी में नॉर्मली वे में जो है मूव करना मुश्किल हो जाता है। कन्फॉर्मिटी क्या है? कि चेंजेस वंस बिहेवियर टू मैच द रिस्पॉन्सेज और एक्शन ऑफ अदर्स। जब आप अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर्स को किसी इंसान के चेंज करने पे चेंज कर लेते हो, मतलब कि एक इंसान का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया है आप पे कि आप उसकी वजह से अपना बिहेवियर, अपना थॉट्स को चेंज कर लेते हो, ये कन्फर्मिटी है, मतलब कि आप किसी की थॉट्स के साथ कन्फर्म हो जाते हो। कंप्लायंस, चेंजेस वंस बिहेवियर इज रिस्पॉन्सिस टू अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट।
कि आपने अपने बिहेवियर को डायरेक्ट किसी के कहने पे चेंज कर लिया, उसने रिक्वेस्ट की कि आपका बिहेवियर जो है वो इस तरह से है तो आपको इसको चेंज करना चाहिए, तो आपने किसी के कहने पे उसको चेंज कर लिया। गोल्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस के कुछ गोल्स हैं जैसे कि चूज करेक्टली एंड बिहेवियर इफेक्टिवली टू बी राइट। आपको ऐसा बिहेवियर को चूज करना है कि जो वाकई ही आपको लगता है कि ये बिहेवियर करेक्ट है, तो मुझे इसको चूज करना चाहिए और अपने बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा टू गेन सोशल अप्रूवल, आप सिर्फ सोशल अप्रूवल के लिए इस सोशल इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हो कि अगर मैं किसी के दबदबे में रह के या किसी की सोचों के साथ खुद को जो है वो कंफर्म करता हूँ तो फिर लोग मुझे सोशल अप्रूवल देंगे। आपने नोटिस किया होगा क्लास में जिस बच्चे का दबदबा या इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है मोस्टली लोग उसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, टू मैनेज सेल्फ इमेज, आप अपने सेल्फ इमेज को अच्छा बनाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए भी सोशल इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाते हो। सोशल नॉर्म्स क्या हैं? आपकी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं जिनको अंडरस्टूड करना चाहिए, वो चाहे आप ग्रुपिंग में रह के चेक करें, चाहे आप इंडिविजुअल वे में करें, लेकिन विदाउट फोर्स ऑफ लॉज। या आपने किसी भी लॉ को, किसी भी चीज़ को फोर्सफुली नहीं करना, बल्कि जब तक आप खुद उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, आप तब तक उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। आपका जैसे ही दूसरों के साथ इंटरेक्शन होता है, आपका जैसे ही दूसरों के साथ रहना होता है, तो आपका सोशल नेटवर्क इतना ज़्यादा हो जाता है कि बेसिकली आप उन सोशल नॉर्म्स, रूल्स को और रेगुलेशन को या स्टैंडर्ड्स को जरूर फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे हर सोसाइटी का अपना नॉर्म्स हैं। फॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्म्स, फॉर्मेशन क्या है? वैल्यू टू सोसाइटी, फंक्शन एंड सर्वाइवल। वैल्यू टू सोसाइटी क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ री इन्फोर्समेंट ड्रेस कोड। ठीक है, कि आपका हर सोसाइटी का अलग अलग ड्रेस कोड होता है, जैसे कि हमारा शलवार कमीज है, हिंदुओं का साड़ी है, और फॉरन जो हमारे पास मतलब के गोरे गोरियाँ जिनको कहते हैं, जो हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएस से है, उनके जो है वो स्कर्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जीन्स यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, ये आपकी वैल्यू ऑफ सोसाइटी है कि आपकी हर सोसाइटी की क्या क्या वैल्यूज हैं। फंक्शंस सर्वाइवल, के आपका सिबलिंग के साथ आपका कांटेक्ट, आपके सिबलिंग के साथ आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे मुल्क में जॉइंट फैमिली पर फोकस किया जाता है। अगर हम लोग दूसरी कंट्रीज को देखें तो वहाँ पे एक बच्चा 18 को क्रॉस करता है तो उसके बाद उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो जहाँ जाए, जैसे रहे, जिसके साथ मर्जी रहे, ही उसकी अपनी ज़िंदगी है। ट्रांसमिशन क्या है? एक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन के आपने किसी को देखा हो, जैसे कि मैंने, जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी फैमिली को देखा कि वो शलवार कमीज जो है वो वेयर करते हैं, तो मुझे भी करनी चाहिए, बड़े होके वो दुपट्टा सर पे रखते हैं, मुझे भी रखना चाहिए। ठीक है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि पहले उस चीज़ को देखा भी हो। स्टोरी टेलिंग रिचुअल्स, के आपको स्टोरीज बताई जाती हैं कि जब हमारा इस्लाम आया तो हमने दुपट्टे लिए, हमने अपने आप को ढांपा या वट एवर जो भी, तो ये सारी क्या है, ये स्टोरी टेलिंग है कि हमें शुरू से ही ये चीज़ें बताई जाती हैं। ट्रांसमिशन है ना कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम उस चीज़ को ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम उनको वो चीज़ें, वो वैल्यूज बता रहे हैं। उसके बाद है नॉन वर्बल बिहेवियर, कि आपने वर्बली नहीं, नॉन वर्बली होता है थ्रू एक्सप्रेशन, थ्रू फेशियल फीचर्स, ठीक है, और थ्रू साइनिंग आप उन चीज़ों को बता रहे हो, ये नॉन वर्बल है। ठीक है, रिसर्च ऑन सोशल, ये रहने दो। कन्फर्मिटी, अब हम लोग कैसी एक इंसान के इतने ज़्यादा इम्पैक्ट की वजह से उसके साथ कन्फर्म होना स्टार्ट कर देते हैं, इसको कन्फर्मिटी बोलते हैं। ठीक
ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਂਜ ਵਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਆ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਅਦਰਸ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਅਬ ਦੇਖੇ ਜੈਸੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹੇਗੇ ਆਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਨੇਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਯੇ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਆਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਨੇਗੀ ਤੋ ਜਬ ਸਭ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੇ ਬਨੇਗੀ ਤੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਾਤ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਉਨਕੀ ਥਾਟਸ ਉਨਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੇ ਸਾਥ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੋ ਵੀ ਵਹੀ ਖਾਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਫਰਮਿਟੀ ਹੈ ऐश रिसर्च ऑन कंफर्मिटी रहने दो अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं कंफर्मिटी पे अनएमेनिटी ऑफ मेजोरिटी को ग्रुप को हेंशन प्राइवेट रिस्पॉन्सेज प्रेयर कमिटमेंट टास्क डिफिकल्टी साइज ऑफ ग्रुप ग्रुप थिंक थिंक डैट अकर्स अब एक ग्रुप में रहते हुए आपने उस ग्रुप के लोगों के बारे में सोचना ठीक है ये एक ग्रुप थिंक है आपका उस ग्रुप के लोगों को इकट्ठा रखना ये एक ग्रुप थिंक है आपका उस ग्रुप के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये ग्रुप थिंक है ठीक है Characteristics of groupthink: invulnerability, rationalization, lack of introspection, stereotyping, pressure, lack of disagreement, self-deception, and insularity. अब हमारे पास जो है group thinking की कुछ characteristics हैं invulnerability क्या है कि आपके group में अगर किसी भी तरह से कोई भी problem है कोई भी बीमारी है कोई भी मसला बन रहा है तो आपने उसको सॉर्ट आउट करना है ये ग्रुप के बारे में सोचने वाली सारी चीज़ें रैशनलाइजेशन आपने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में रैशनल सोचना है रैशनल थिंकिंग करनी है चीज़ों को जो है वो प्रोडक्टिव बनाना है लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एक ही इंसान पर फोकस नहीं करना आपने ग्रुप के हर इंसान को खुद अपने ऑन पे देखना है और उसके बारे में सोचना है स्टीरियोटाइपिंग बिहेवियर क्या होता है कि आपने अगर अपने ग्रुप के सारे लोगों के बारे में अच्छी सोचें रखी हैं तो फिर आपके ग्रुप के लोग भी आपके बारे में अच्छी सोच रखेंगे और आपके ग्रुप में रहना और उसके लिए जो है काम करना पसंद करेंगे प्रेशर अगर आप अपने ग्रुप में प्रेशर को रखोगे तो आप किसी भी काम को जल्दी करवा सकोगे ठीक है अगर आप अपने ग्रुप में प्रेशर नहीं रखोगे क्योंकि प्रेशर की वजह से काम जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप प्रेशर ना दो तो लैक ऑफ डिसएग्रीमेंट अगर आप लोगों के बारे में सोचते हो तो फिर आपको डिसएग्रीमेंट्स का सामना नहीं करना पड़ता ठीक है तो डिसएग्रीमेंट की कमी जो है वहाँ पे आती है जब आप अपने ग्रुप के बारे में सोचते हो सेल्फ डिसेप्शन आप अपने ग्रुप को जो है वो इतना ज़्यादा सेल्फ डिसीव कर लेते हो कि लोग या आपके ग्रुप के लोग जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं 10, 11, 12, 15 तो वो अपने ऑन पे भी अपने ग्रुप को सेव करते हैं ये नहीं कि एक लीडर ही ग्रुप को सेव करे वो फिर हर इंसान अपने ऑन पे भी अपने ग्रुप को सेव करने की कोशिश करता है ठीक है कंप्लायंस क्या मैम इसे पीछे वाला जरा पेज करिएगा ये जो आपने अभी भी पढ़ाया ना इसे पीछे वाला एक पेज ग्रुप थिंक जी ठीक इसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं था कर ले आगे मैं आपको ना सेंड कर दूंगी आप ना अभी सिर्फ और सिर्फ गौर से मुझे सुनो मैं आपको ये सेंड कर दूंगी ठीक है कंप्लायंस कंप्लायंस क्या है बेसिकली काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं आपका चेंजिंग बिहेवियर है कि एक इंसान का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी इंसान की वजह से क्या इम्पैक्ट आता है अब वो डायरेक्टली इम्पैक्ट भी आ सकता है मतलब कि वो डायरेक्टली भी आपको कह सकता है अपना बिहेवियर चेंज करो या फिर वो इनडायरेक्टली भी आपको कह सकता है ठीक है वो आप पे इम्पैक्ट भी डाल सकता है इम्प्लिसिट भी कर सकता है इम्प्लिसिट होता है आपके अंदर से जो चीज़ आती है कि आप उस चीज़ को चेंज करो और एक्सप्लिसिट क्या आपको सोसाइटी से इन चीज़ों की वाइब्स आए कि हाँ आपका ये बिहेवियर सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है ठीक है प्रिंसिपल्स डैट इंक्रीज कंप्लाइंस अथॉरिटी की वजह से भी आपका कंप्लाइंस बेहतर होता है लोग आपको मानते हैं सोशल वैलिडेशन एंड सोशल प्रूफ लोग जब आपको कहना शुरू कर दे कि हाँ तुमने ये वाकई जब एक ने कहा दूसरे ने कहा तीसरे ने कहा तो ये क्या हो गया एक प्रूफ हो गया कि हाँ कहीं ना कहीं मुझ में ही प्रॉब्लम है ठीक है सिक्रेसिटी अब इसमें क्या है इसमें आपने ये देखना है कि आपको वाकई लोग क्या है
वो इस नजरिए से देख रहे हैं, आपको वाकई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं या वाकई लोग चाहते हैं कि आपका बिहेवियर चेंज हो। अफिलिएशन, अगर आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ अफिलिएट हो जाते हो जो वाकई ही पसंद किया जाता है, तो भी आपका कंप्लायंस इंक्रीज कर जाता है। रेसिप्रोसिटी क्या होता है कि एक चीज के होने की वजह से दूसरी चीज का होना, ठीक है, या फिर एक चीज के आने के बाद दूसरी चीज का उल्ट हो जाना, या एक चीज के होने से किसी दूसरी चीज के होने की जो है वो पेशेंट हुई होना, उसको रेसिप्रोसिटी बोलते हैं। अब रेसिप्रोसिटी में क्या है कि आपका एक बिहेवियर अच्छा होने की वजह से अगर आपको अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो फिर बेसिकली आप और ज्यादा अच्छे कमेंट्स लेने के लिए अपने बिहेवियर को और ज्यादा बेहतर करोगे। कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट्स, आप अपने बिहेवियर में जब कंसिस्टेंसी लाते हो, आप किसी के साथ कमिटमेंट करते हो कि आज के बाद ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी, बेहतर से बेहतर होगी, तब भी आपका कंप्लाइंस बेहतर हो जाता है। ये कुछ ओबीडियंस का एक्सपेरिमेंट है मिलग्राम का, आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको आगे के नेक्स्ट उसकी क्या उसको बोलते हैं, नजर आ रहा है आप लोगों को? सोशल कॉग्निशन क्या है? सोशल कॉग्निशन इज द इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रायवल एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन विच रिलेट्स टू कौन स्पेसिफिक्स मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। सोशल कोऑर्डिनेशन बेसिकली ये है कि आपका किसी भी चीज़ के बारे में इनकोडिंग करना, आपका किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में स्टोर करना या रिट्राइवल करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, ये सारा कोऑर्डिनेशन में आता है। हाउ डू वी थिंक अबाउट द सोशल वर्ल्ड, अब हम लोग किस तरह एक सोशल वर्ल्ड के बारे में सोच सकते हैं, हम उस वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सोशल कोऑर्डिनेशन इनकोड कहते हैं, इंटरप्रेट इंटरप्रेट करना होता है, तशरीह करना किसी भी एक पूरे के पूरे सिनेरियो की, सिचुएशन की, स्टोर करना, रिमेम्बर करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, रिट्राइव करना, उसको यूज करना, ठीक है। सोशल कॉग्निशन में आते हैं स्कीमाज आते हैं, ह्यूरिस्टिक्स आती हैं, ऑटोमेटिक एंड कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग आती है, एरर्स इन सोशल कॉग्निशन एंड इफेक्ट एंड कॉग्निशन। अब हमारे पास कुछ कंट्रोल प्रोसेसिंग थिंकिंग क्या होती है, कुछ कंट्रोल प्रोसेसिंग होती है और कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है। जो सिस्टम है, जो कंट्रोल प्रोसेसिंग है, वो हमारे पास अब जो कंट्रोल प्रोसेसिंग है वो सिस्टमेटिक है, लॉजिकल है, केयरफुल है, हाईली इफेक्टफुल मैनर के साथ है। जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है वो फास्ट है, रिलेटिवली एफर्टफुल है,
एफर्टलेस है और इंट्यूटिव मैनर के साथ है, ठीक है। ऑटोमेटिक हमारे पास वो है, ऑटोमेटिक हमारे पास वो है जो बहुत ही फास्ट होती है, उसको करने वो लोग बहुत ही शार्प होते हैं, वो चीज़ों को बहुत ही एफर्टलेसली लेते हैं। और लेकिन कुछ कंट्रोल्ड होते हैं जो कि बहुत ही केयरफुल तरीके के साथ, हाईली एफर्टफुल मैनर के साथ चीज़ों को देखते हैं, याद करते हैं, स्टोर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। स्कीमास, स्कीमास क्या होते हैं? बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, एक ही इंसान का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस स्कीमा होता है, कॉमन हो सकता है या यूनिक हो सकता है, मेंटल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर होता है स्कीमा। इसके अलावा ये कल्चरल शेयरिंग होती है कि एक कल्चर टू कल्चर स्कीमास किस तरह से डेवलप होते हैं, स्कीमास डोमिनेट करते हैं लोगों की थॉट्स पे और उनके बिहेवियर्स पे। आपका जो स्कीमा है आप डोमिनेट करोगे दूसरे इंसान पे, दूसरे की थॉट्स पे और उसके बिहेवियर पे आप इम्पैक्ट डालोगे, आप उसको सोशल वर्ल्ड को देखोगे, आप उसका रिलेशनशिप देखोगे, उसका बिहेवियर देखोगे। अटेंशन क्या है, स्कीमा क्या है? मेंटल फ्रेमवर्क है, सेंटर्ड ऑन स्पेसिफिक थीम्स हैं जो हेल्प करती है रिकॉग्नाइज करने में, इंफॉर्मेशन को यूज़ करने में। उसके अलावा एफिशिएंटली जो है वो चीज़ों को फिल्टर करती है, फिल्टर करके उसको कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिकल कैटेगरी के साथ मैच करवाती है। अटेंशन क्या है, जब इंफॉर्मेशन को हम लोग फिल्टर करते हैं तो हमारे पास एक अटेंशन का लेवल, एक्सट्रीम लेवल क्रिएट होता है। इनकोडिंग क्या है, जब आप अपने स्कीमास को इनकोड करते हो, जो जो आपने देखा है, जो जो आपने सीखा है, जो आप किसी भी चीज के बारे में सोच रखते हो। रिड्राइव क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, चीज़ों को दोहराने में मदद देता है, हेल्प करता है स्कीमास को कवर करने में, उनको इजी करने में, उनकी एफर्ट्स को कम करने में, ताकि हम लोग चीज़ों को जल्दी से यूज़ कर सकें। स्कीमास प्राइमरी, अप प्राइमरी एंड परसिस्टेंस, ये सारे के सारे स्कीमास आते हैं एक स्टार्ट में। अप प्राइमरी जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो उसके बाद आपके स्कीमास चेंज, आपने पहले स्कीमा लिया के जो है उस एरिया के लोग बहुत बुरे हैं या उस कास्ट के लोग बहुत बुरे हैं, ये आपका प्राइमरी स्कीमा है, ठीक है। उसके बाद अब प्राइमरी क्या है, जब आप उनके साथ जाके रहते हो तो आपका स्कीमा चेंज होना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कहीं ना कहीं मेरा स्कीमा गलत था और ये स्कीमा मुझे बेहतर लगता है। और परसिस्टेंस में क्या है कि आप अपना स्कीमा टोटली चेंज कर लेते हो। हैज लॉन्ग लास्टिंग एफर्ट्स इफेक्ट जनरली मोस्टली और डीएक्टिवेट्स और उसके बाद स्कीमास आर अनअल्टर्ड। ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली ह्यूरिस्टिक टैक्टिक्स हैं प्रोसेसिंग के, कि आप इंफॉर्मेशन को किस तरह से चेंज करते हो, किस तरह से न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करते हो और आपके क्या क्या ऐसी टैक्टिक्स हैं जिसके थ्रू आप कम्प्लेक्स डिसीजंस को ले सकते हो। Representativeness, judging by resemblance, have the basis on the extent to which current stimuli, events resemble others, traits, behavior, manner, style or person. अब मतलब कि आपने किसी एक इंसान के साथ दूसरा इंसान के साथ मैच करना, ठीक है, आपकी रिप्रेजेंटेटिवनेस के वाले से आपकी रिजेंबलेंस में। heuristic availability क्या है, उसके अलावा ease, अमाउंट कितनी है, आप कितनी जल्दी चीज़ों को जो है ये अपने माइंड पे उसका इम्पैक्ट ले आते हो, क्या आप जल्दी अपनी माइंड पे उन चीज़ों का इम्पैक्ट ले आते हो या आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उन चीज़ों का इम्पैक्ट लेने में, ठीक है। एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट, अब अगर आप किसी भी एंकर को सुनते हो तो उसकी बातों का इतना इम्पैक्ट होता है कि जिसकी वजह से आप जो है आप उनको सुनने के जो है वो एग्री हो जाते हो कि हाँ ये जो बोल रहा है वो बेहतर है। अब वो किस में है, वो टेंडेंसी पे बेस करता है कि आपकी कितनी टेंडेंसी है कि आप किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी सुनते हो या उसके साथ कितनी जल्दी एडजस्ट हो जाते हो, ठीक है।
ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल प्रोसेसिंग वे बेसिकली वैसे है, नॉन कॉन्शियस है, एफर्टलेस है, क्विक है. नेगेटिविटी बायस, नेगेटिविटी बायस ये है, बायसनेस होता है कि आप किसी एक चीज के बारे में जब अपने मतलब कि मैं सोचती हूँ कि जो है मतलब कि ये जो दीनी मजहब है या जो दीनी रसूमात हैं मैं उन सब पे बिलीव रखती हूँ, ये मेरी बायसनेस है, और जो लोग उन सब पे बिलीव रखते हैं मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं. ठीक है, अब ये क्या है, मेरा फेवरेटिज्म है कि जो चीज़ मुझे पसंद है मैं सिर्फ उसी को फॉलो करूँगी. और कुछ चीज़ें होती हैं अनबायस्ड कि आप कोई भी हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी वैक इफेक्ट से हो, मुझे वो सब अच्छे लगे, मुझे उन सब में किसी के साथ कोई इख्तलाफ ना हो, वो अनबायस्डनेस होती है कि आप विदाउट फेवरेटिज्म हर इंसान के साथ इक्वली रिएक्ट करते हो. लेकिन बायसनेस में क्या है कि आप हर इंसान के साथ इक्वली रिएक्ट नहीं करते, जो आपको पसंद आता है आपके रिपब्लिक के साथ अच्छा रिएक्ट करते हो. एटीट्यूड एंड फॉर्मेशन या एटीट्यूड अडॉप्टेशन एंड चेंज. अब एटीट्यूड्स क्या होते हैं, वो हमारे बिहेवियर पे किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं, क्या उनका हमारे बिहेवियर पे कोई इफेक्ट आता है नहीं आता है. बिहेवियर इज़ द ऑब्जर्वेबल कंपोनेंट, कहते हैं बिहेवियर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ऑब्जर्वेबल है, जो मतलब कि दिखने वाला है, जो सब मुशाहदा कर सकते हैं. व्हाट वी डू व्हाइल एटीट्यूड इज द नॉन ऑब्जर्वेबल कंपोनेंट ऑफ व्हाई वी डू. हमारे पास जो बिहेवियर है वो एक ऑब्जर्वेबल है, लेकिन एटीट्यूड हमारे पास नॉन ऑब्जर्वेबल है. इसके बारे में हमें नहीं पता कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, हाँ लेकिन हमें बिहेवियर के बारे में पता है कि वो है क्या. एटीट्यूड इज द साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक दैट डिफाइन हु वी आर. ठीक है कि हम हैं क्या. उसके बाद एटीट्यूड एंड बिहेवियर, बिहेवियर वो चीज़ है जो नज़र आती है, लेकिन बिहेवियर जो भी नज़र आता है उसके पीछे अननोन या कुछ ऐसे एटीट्यूड्स होते हैं जो कि उस बिहेवियर को बनाने में मदद देते हैं, जैसे कि वैल्यूज, स्टैंडर्ड, जजमेंट्स, मोटिव्स, एथिक्स और उसके अलावा बिलीव्स, ये सब कुछ मिला के इम्पैक्ट डालते हैं बिहेवियर पे और हमें बिहेवियर एक नज़र आता है. ठीक है, एटीट्यूड्स डिफाइन, एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग्स दैट रिगार्ड टू सम मैटर, अ मेंटल पोजीशन विद रिगार्ड टू अफेक्ट और सिचुएशन, अ फीलिंग और इमोशन टूवर्ड्स अफेक्ट और सिचुएशन, द वे वी रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन और इशू, फैक्ट और स्टेट. एटीट्यूड्स बेसिकली ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसा रिगार्ड है जो सब मैटर के लिए यूज होता है, ये डिफरेंट सिचुएशन में अपनी पोजिशंस को चेंज करता है, ये फीलिंग्स और इमोशंस के थ्रू काम करता है. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, फर्स्ट अफेक्ट बिहेवियर एंड कॉग्निशन, नॉट इफेक्ट, इट्स अ फैक्ट. ठीक है, फीलिंग्स आर इमोशंस दैट समथिंग इवोक्स, टेंडेंसी और पोजीशन टू एक्ट इन सर्टेन वेज टुवर्ड्स समथिंग. अफेक्ट क्या है, जो कि आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ है. बिहेवियर क्या है, ऐसी डिस्पोजिशन जो कि आपके टुवर्ड्स है आपके बिहेवियर के साथ. और कॉग्निशन क्या है, आपके थॉट्स, बिलीव्स, आइडियाज. ठीक है, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स क्या है, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में हमारे सेगमेंट्स जो आते हैं वो हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में हमारे बिलीव्स हैं और हमारे डिसबिलीव्स हैं.
कि हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमारे अकीदे क्या हैं, हमारे रसूमात क्या हैं। अफेक्टिव कंपोनेंट हमारे इमोशंस के साथ है, जो कि हमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग का बताता है। बिहेवियरल कंपोनेंट बेसिकली हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ हमारा करंट एक्सपीरियंस है क्या। उसके अलावा फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आवर एटीट्यूड, इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशन, ये तीनों मिल के आप पे फैक्टर्स होते हैं इफेक्ट करना किसी भी चीज़ का ना। तो वो ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एटीट्यूड पे इफेक्ट करती हैं, हमारे एटीट्यूड्स को चेंज करता है या इफेक्ट करता है हमारा इन्वायरमेंट, हमारी एजुकेशन और हमारे एक्सपीरियंसेस। इन्वायरमेंट, होम, स्कूल, वर्क, मीडिया, कल्चर बैकग्राउंड, सोशल इन्वायरमेंट एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। आपका होम, आपके पेरेंट्स आपको क्या इन्वायरमेंट दे रहे हैं, आपके पीयर्स प्रेशर क्या है, आपके दोस्त कैसे हैं, किन के साथ आप रहते हो, आपका वर्क, आपके क्रिटिकल बॉसेस, आपके कोलीग्स आपके साथ कितने सपोर्टिव हैं, आपका मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर आपको क्या दिखा रहे हैं, वो भी आप पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, आपकी ट्रेडिशंस क्या हैं, आपके बिलीफ क्या हैं, वो भी आप पे इफेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ मजहब मतलब मजहब के अंदर ही कुछ फिरके बन गए हुए हैं, सुन्नी क्या करते हैं, अहले हदीस क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, शिया क्या करते हैं, सैयद क्या करते हैं, वट एवर जो भी, तो वो सारे क्या हैं, वो आपके अपने कल्चरल बैकग्राउंड, बिलीफ है, रिलीजियस बैकग्राउंड है, सोशल इन्वायरमेंट है। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, आप लोग मुझे सुन रहे हो? हेलो जी मैम, सुन रहे हैं जी मैम। एक्सपीरियंस, ओवर बिहेवियर चेंजेस अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपीरियंस विद वेरियस पीपल, कि जैसे जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस आते जाते हैं हमारा बिहेवियर चेंज होता जाता है। अगर आप लोग देखो तो 4 साल पहले आपके जितने एक्सपीरियंस थे आपका उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर था, अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आप न्यू जगहों पे जा रहे हो, आप न्यू लोगों से मिल रहे हो, आपके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते जाएंगे और डिफरेंट होने की वजह से आपके एटीट्यूड्स भी डिफरेंट होंगे। एजुकेशन, एजुकेशन जो बर्डन्स हैं ये भी आपको जो है वो इन्फ्लुएंस बनाते हैं। इन्फ्लुएंस किस पे क्रिएट करते हैं, आपकी थिंकिंग पे, आपके एक्शंस पे, आपके बिहेवियर्स पे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड दोनों को बनाते हैं। पीपल विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर यूजुअली, पीपल विद अ नेगेटिव एटीट्यूड्स आर नॉर्मली। ठीक है, पॉजिटिव जो यूजुअली होता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऑप्टिमिस्टिक है, कॉन्फिडेंट है, केयरिंग है, असर्टिव है, पेशेंट है एंड हम्बल है। पीपल नेगेटिवली एटीट्यूड्स आर नॉर्मली अनहैप्पी, पेसिमिस्टिक, अनपेशेंट, अनपेशेंट, डिफेंसिव, आर्गुमेंटेटिव, कॉन्फ्रंटेशनल एंड डिस्ट्रप्टिव। बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड्स, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, रिड्यूस स्ट्रेस, करियर सक्सेस, हाई प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल रिलेशंस, इज एनर्जाइजिंग। इफेक्ट्स ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड, सेल्फ डाउट, पुअर सेल्फ एस्टीम, इंक्रीज स्ट्रेस, बिटरनेस, रिसेंटमेंट एंड पुअर हेल्थ। Four possible reactions to attitudes, objects, positive attitudes, dual attitudes, indifference and negative attitudes. अब low, high, positive, negative ये सारे हमें बताएंगे। ठीक है, कुछ positive attitudes होते हैं, कुछ negative होते हैं, जो कि दोनों high में आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो low में indifference है और dual attitudes है, ambivalence। ठीक है, इम्बेबलेंस होता है कि आपका जैसे कुछ लोग हैं वो कट्स भी लगाते हैं और नॉर्मल जिंदगी भी गुजार रहे हैं, मतलब कि अगर उनके बिलव्ड वन ने उनको कुछ कहा या उनको उनके साथ लड़ाई हुई तो लोग कट्स लगाते हैं ना आजकल, ये भी बहुत ट्रेंडी सा एक वे है। तो कट्स लगाना, अपने आप को नुकसान पहुँचाना, ये बेसिकली ड्यूल एटीट्यूड होते हैं, ये इम्बेबलेंस होता है कि आप अपने आप को एक तरफ नुकसान भी पहुंचाते हो और एक तरफ आपको ड्यूल एटीट्यूड्स के साथ भी
जो है वो कर रहे हो, सफर कर रहे हो। एटीट्यूड फॉर्मेशन, हमारे पास एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए कुछ फोर डिस्टिंक्ट वेज हैं जो कि हमारे एटीट्यूड्स को बनाते हैं। मेयर एक्सपोजर है, एसोसिएटिव लर्निंग है, सेल्फ परसेप्शन है एंड फंक्शनल रीजंस हैं। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को। ठीक है, वे ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, मेयर एक्सपोजर। द मेयर एक्सपोजर इफेक्ट इज दैट टेंडेंसी टू डेवलप मोर पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स, द मोर आर वी आर एक्सपोज टू देम। एक्सपोयर होता है किसी भी चीज़ को देखना। ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने के बाद उस पर जो जो इफेक्ट आना, जैसे कि हम लोगों ने कमर्शियल देखे कोक की, के वो बहुत बेहतरीन है। आपने जो है आपने कोक पी, अब एक कमर्शियल आ रही है कि सेवन अप बहुत बेहतरीन है, आपने वो पी ली। अब क्या है कि किसी न किसी चीज़ का इतना ज़्यादा एक्सपोयर करना कि वो आपके एटीट्यूड पे इफेक्ट करें। ठीक है, एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग क्या है कि जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। ठीक है, देर आर टू वेज इन विच वी कैन लर्न बाय एसोसिएशन। हम चीज़ों को याद करते हैं एसोसिएशन के साथ, आइदर इम्प्लेक्सिटी थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग। आप लोगों को याद होगा क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, कि क्लासिकल कंडीशनिंग में डॉग एक्सपेरिमेंट था, उसने डॉग को बताया।